जैसा कि यहाँ धर्मेंद्र भाई साहब जी ने बताया कि यहाँ पर ये नज़ारा बहुत सुंदर है, और जैसा कि यहाँ पर उन्होंने राजकुमारी बोर्ड के बारे में बताया कि पर्यटकों का स्थल बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए। यहाँ पर कई डाकुओं ने शरण ली है। यहाँ पर बहुत से डाकू जैसे कि डाकू गड़ैया जैसे, और यहाँ पर बहुत सी मूवियों की शूटिंग हुई है जैसे ना। और जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी तो इसकी थोड़ी सफाई मफाई नहीं हो रही, नहीं तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये गेट लगे हुए हैं जो अभी चौक हो चुके हैं, इसलिए पानी ऊपर फ्लो हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है देखने को, आप यहाँ पर घूमने आ सकते हो। आपने सुना होगा ये बदरिया कुंड स्थल है, ये पूजने के साथ में रमणीय स्थल भी है। यहाँ पर कई सिद्धि साधु साधुओं ने यहाँ पर अभी भी तपस्या कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इधर अभी वो अंदर गए हुए हैं बालाजी मंदिर के यहाँ पर। और यहाँ पर मेरी तरफ घूम करो, और यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है जैसे कि दाल टिक्कर मिलते हैं यहाँ पर, और खाने के लिए यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था भी है। और ये बहुत इसके ये आप जैसे जूम कर सकते हो इधर कि ये तालाब बन रहा है, उसके उस तरफ नेशनल पार्क है घूमने के लिए। यहाँ पर जो माधव नेशनल पार्क है इसमें अपन अगली वीडियो बनाएंगे आप मगरमच्छ के साथ, इसमें घड़ियाल भी हैं। और जैसा कि आप अभी भी देख सकते हो इसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही हैं, पर अगर इसकी साफ सफाई होने लग जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। शिवपुरी जो कि MP में स्थित है, और यहाँ पर कई अनोखे स्थल हैं जो घूमने लायक हैं, जैसे माधव नेशनल पार्क, सांके सागर झील, बदैया कुंड। अब आप हमारे पीछे जो तालाब देख रहे हैं ये बहुत बड़ा तालाब है, इस तालाब का नाम है सांके सागर झील। ये रखा गया था हमारे सिंधिया राजवंश के नाम पर। और आप पीछे देख रहे हैं जो बोट है वो अभी भी रनिंग में है, इसका नाम है राजकुमारी बोट। ये कई सैलानियों को यहाँ पर भ्रमण कराती है पूरे, उसमें इसमें कई जानवर भी रहते हैं अंदर, जैसे कि मगरमच्छ है, घड़ियाल है। एक महीने पहले बारिश में यहाँ पर बहुत फ्लड आया था, और फ्लड के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था, और इतना फ्लड था कि ऊपर से पानी जा रहा था, बहुत स्तर पर पानी था। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर रानियों की दासियों का स्नान घर है, इसमें कई रानियों की दासियाँ नहाने के लिए आती हैं। और आप अंदर देख सकती हो अभी इसकी थोड़ी सफाई मफाई की थोड़ी प्रॉब्लम, नहीं तो ऐसा कि यहाँ पर सफाई मफाई नहीं हो रही है, तो अभी पर्यटक मंत्रालय द्वारा यहाँ की साफ सफाई स्टार्ट की जाने वाली है, वो प्रोसेसिंग चल रही है अभी। और यहाँ पर अभी इसमें नीचे की तरफ निचली तल पर पट्टियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर रानियों की दासियाँ नहाती थीं। और जैसा कि अब शिवपुरी निवासी जो भी यहाँ पर घूमने आए हैं गजेंद्र, बारे में बता सकते हो कि ये क्या है, और आप कितने साल से यहाँ पर आते जाते रहते हो? जी हम बहुत साल से यहाँ पर आते जाते रहते हैं, ये बहुत ही प्राचीन पर्यटक स्थल रहा है। यहाँ पर हमारे माधव राव राजा रहे हैं, वो उनकी राजधानी रही है, जो उन्हीं के द्वारा बनाया प्राचीन स्थल रहा है। इसको शिवपुरी को मिनी शिमला नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंधिया रायवंश को जिनकी राजधानी ग्वालियर थी, वो उनकी ग्रीष्मकालीन ऋतु में 6 महीने के लिए अपने राजधानी शिवपुरी को बनाया करते थे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता था। ये एक ठंडी ही जगह है, जो कि आप जैसा कि आपने देखा यहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी है, वैसे भी यहाँ पर का टेम्परेचर नॉर्मली रहता है। जैसा कि यहाँ पर हरियाली भी बहुत है, आप लोग भी देख रहे हो पेड़ पौधे बहुत है, इसे रेयर सिटी भी कहा जाता है, इसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। अभी गजेंद्र भाई ने बताया कि कैसा कैसा इतिहास रहा है, कैसा जगह है, तो अभी आपको इधर इधर का नज़ारा दिखाते हैं, आइए। दाल टिक्कर के बारे में, भोजनालय के बारे में बताया, देखो कितना ये कैंटीन है यहाँ की, और अभी आपको मिला। आप हमारे पीछे देख रहे हैं इस होटल का नाम है लेक व्यू ऑफ कैफेटेरिया। हाँ, इसमें एक खासियत ये है कि मिलने को सब कुछ मिलता है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर दाल टिक्कर बहुत अच्छी बनाई जाती है और बहुत फेमस है। अगर आप एक बार इसकी लुप्त उठा लेंगे तो आप अगली बार अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इन व्यंजनों को खाने से, और आप जब इसका टेस्ट करेंगे तो आई कांट फील इट, मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे मुंह में कितना पानी आ रहा है खाने के लिए। और अभी अभी खाने वाले हैं, और इसके बाद हम वहीं पर जाने वाले हैं और उसका लाभ उठाएंगे। आप अगर फैमिली के साथ आती है और आप डेफिनेटली दाल टिक्कर कर लुप्त उठाएंगे, तो आपके बेबी और बच्चे जो होंगे वो उनके लिए खेलने की व्यवस्था इधर की गई है। इसमें झूला है, छोटे बच्चों की खिसकने की पट्टी है, बैठने के लिए पेड़ वृक्ष हैं, और बच्चे इसमें आराम से खेल सकते हैं। देख सकते हैं माधव नेशनल पार्क लिखा हुआ, और आगे की जो सीमा है वो नेशनल पार्क की है, तो इधर जाने के लिए हमारा 200 रुपये का टिकट लगता है, जो कि टिकट व्यवस्था है अभी कोरोना के कारण में इसको अभी बंद कर दिया गया है।
यहाँ पे इंटरव्यू होता है यार अभिनंदन वैश्य। हाँ यहाँ इंटरव्यू क्या क्या होता है ये देखो और राजा रानियां यहाँ पर अपना कीमती समय व्यतीत करती थी। यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा है, देखने के लिए आ सकते हो आप, यहाँ पर घूमने के लिए भी आ सकती हो। और ये रानियों की दासियों की नाने के स्थान के जस्ट ऊपर है, छत पर हैं अभी हम। और बरसात के मौसम में देखने के लिए यहाँ पर अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। अभी बरसात का मौसम है पर अभी धूप की वजह से थोड़ा कैमरा भी ब्लर आ रहा होगा।